एंड क्लीन होगा जनपद सहारनपुर। नमस्कार सिटी मैम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में नगर निगम पूरी तरह से तत्पर है। नगर निगम ने ITC के सहयोग से मल्टीलेयर प्लास्टिक के ठोस कचरा प्रबंधन में एक और नया कदम बढ़ाया है। बता दें कि नगर निगम ने आज करीब 12 टन मल्टीलेयर प्लास्टिक को निस्तारण के लिए मलीपुर रोड स्थित यमुना एक्शन प्लांट से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। प्लास्टिक कचरा शहर के अनेक मटेरियल रिकवरी सेंटरों पर छांटकर अलग किया गया था। खास बात यह है कि इस पहल के साथ नगर निगम उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जिसने मल्टीलेयर प्लास्टिक के कचरा निष्पादन की शुरुआत की है। इस शुरुआत के तहत हर सप्ताह मल्टीलेयर प्लास्टिक को एकत्रित कर दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। इससे बाजारों में प्लास्टिक भी कम हो जाएगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। वहीं मल्टीलेयर रिकवरी के बारे में जानकारी देते हुए क्या बोले नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, देखिए। आज बहुत एक सुंदर प्रयास हुआ है नगर निगम सहारनपुर में। इसमें ITC के सहयोग से हम लोगों ने जो भी पॉलीथीन इकट्ठा की थी और जो भी हमारे रैपर्स हैं और सारा जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ है, ये कई दिनों से हम लोग इकट्ठा कर रहे थे, उसको आज हम लोगों ने पूरा इकट्ठा करके इसको हम लोग रिसाइकिलिंग के लिए दिल्ली में भेज रहे हैं। वहाँ पर ये रिसाइकिल होगा। तो एक ये सराहनीय प्रयास है, एक अनूठा प्रयास है ITC के द्वारा सहारनपुर नगर निगम का, कि जितनी भी पॉलीथीन निकल रही है शहर की, उनके द्वारा ITC के द्वारा उनका एक MOU साइन हुआ है जिससे हम यहाँ लगातार हर हफ्ते एक गाड़ी भेजेंगे उनके पास और वो इसको रिसाइकिल करके फिर इससे रीयूज़ करेंगे वो। तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और आने वाले समय में हम पॉलीथीन से निजात मिलेगी हमको और धीरे 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 पॉलीथीन वातावरण से कम होगी, मार्केट से कम होगी, लेकिन जो भी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है उस सबको रिसाइकिल करने के लिए आज यहाँ से हम लोग ट्रक रवाना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक हम लोगों को अवसर मिला हुआ है और आज उसका शुभारंभ हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारे लिए और सहारनपुर नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी घटना है और उसको हम लोग पूरे सहारनपुर को क्लीन और ग्रीन का जो हम लोगों ने नारा दिया है उसमें ये सहायक सिद्ध होगा। इस मौके पर नगर निगम के मुख्य सफाई व खाद्य निरीक्षक अमित तोमर, ITC के कैप्टन रोनी, ITC मिशन सुनहरा कल के प्रदेश प्रभारी पामेश आदि मौजूद रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।